नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दैनिक भास्कर एवं भारत समाचार चैनल पर आईटी विभाग द्वारा फर्जी छापेमारी के विरोध में कानपुर प्रेस क्लब का विरोध प्रदर्शन। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा परेड चौराहे पर दैनिक भास्कर एवं भारत समाचार चैनल पर आईटी छापे की 36 घंटे की सघन तलाशी के बावजूद कोई सबूत नहीं मिल सका। यह सिद्ध करता है कि सरकार द्वारा संस्थान की बेदाग छवि को धूमिल करने और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दबाव बनाने हेतु किया गया है। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने भविष्य में इस तरह का सरकार द्वारा कुकृत्य न दोहराने की चेतावनी देने हेतु सैकड़ों पत्रकारों के साथ विरोध जताते हुए नवीन मार्केट से बड़े चौराहे तक सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस निकालकर तथा मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। भविष्य में दोबारा इस तरह का शर्मनाक हरकत न करने हेतु एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पुलिस कमिश्नर के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर सरकारें इस प्रकार की कुत्सित कार्रवाई करके मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहेंगी तो कानपुर प्रेस क्लब इसका भरपूर विरोध करने हेतु अपना आंदोलन करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व प्रदेश सरकारों की होगी। प्रदर्शन में नीरज अवस्थी, सुनील साहू, अभिलाष वाजपेयी, मनोज यादव, रमन गुप्ता, हनुमंत सिंह, चंदन जायसवाल, इब्ने हसम जैदी, मोहम्मद इरफान, मोहित वर्मा, अभिनव श्रीवास्तव, वेद गुप्ता, समर शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे।